हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने अब तक जितने वीडियो डाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, कि टैली में हम उस पर कैसे काम करेंगे, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, रिवर्स चार्ज हो, GST R1 की अगर बात करूँ तो GST R1 से रिलेटेड मैंने आपको सारी एंट्रियाँ बता दी हैं कि इनका इफेक्ट कैसे कैसे हमारे टैली पे पड़ेगा, इनकी एंट्री हमें कैसे कैसे करनी है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी और अगर उसमें मेरी तरफ से कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि समझाते समय उस टाइम में सिर्फ मेरा मोटिव इतना होता है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा पाऊँ। स्पेलिंग वगैरह मैं चेक नहीं करता और ना ही ये चेक करता हूँ कि मैंने GST की जगह H लगा दिया है, S लगा दिया है, क्योंकि वो आप लोग लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर कोई नया दोस्त जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो, अगर उसने GST R1 से रिलेटेड एंट्री नहीं देखी तो इस पर जाकर, मेरे चैनल पर आकर इस वीडियो को ओपन करके वो चेक कर सकता है। इसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है डिटेल में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे दिख रहा है, इसी कारण मैं हर एक दिन बाद यहाँ पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मैं आज आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा, 8383084769। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नंबर है, ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो वो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे कर दें, मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और आज जो हम सीखेंगे GST R2 सीखेंगे, और GST R2 में मैं आज आपको ये दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। इससे ऊपर वाले जितने टॉपिक हैं ये सारे मैं एक एक करके आप लोगों को बताता रहूँगा, अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है तभी मैं यहाँ पे वीडियो अपडेट करता हूँ। औरों की तरह नहीं कि मैं फालतू में यहाँ वीडियो डालता रहूँ, कोई देखे ना देखे, यूजलेस वीडियो। जब आप लोग कमेंट करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे करो या मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे करो, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोगों की उसकी नीड है, इसलिए मैं वो वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस। रिवर्स चार्ज क्या है पहले ये समझिए दोस्तों। देखिए रिवर्स चार्ज दो केस होते हैं, पहला केस ये होता है ट्रांसपोर्ट के केस में देखा जाता है, और दूसरा केस होता है अनरजिस्टर्ड के केस में होता है। जब मैं किसी अनरजिस्टर्ड से माल खरीदता हूँ तो उस टाइम पे मेरी ड्यूटी बनती है कि जो मैंने उससे अमाउंट में माल खरीदा, जाहिर सी बात है वो अनरजिस्टर्ड है तो वो मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा, यानी वो इन्वॉइस पर टैक्स लगा के तो मुझे इनवॉइस नहीं देगा, तो उस केस में मुझे रिवर्स चार्ज के अंदर एप्लीकेबल हो जाता हूँ, तो उसके बिहाफ पर मुझे टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो होता है हमारा रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस क्या है, देखिए अनरजिस्टर्ड को मैं माल जब परचेज के लिए बोलूँगा, यानी मुझे जब माल चाहिए होगा तो मैं उससे माल खरीदने जाऊँगा, तो उस केस में हो सकता है कि मैंने उसे एडवांस दे दिया हो और उससे कहा कि नेक्स्ट मंथ में वो मुझे आइटम वगैरह डिलीवर कर दे। लेकिन एडवांस रिवर्स चार्ज के अंदर दो केस आएंगे दोस्तों आपके सामने। पहला केस ये आएगा कि हो सकता है कि आपने 1 जुलाई यानी जिस मंथ आपने उसको एडवांस पे करा उसी मंथ उसने आपको आइटम भी डिलीवर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा। दूसरा केस, अगर मैंने उसे मंथ जुलाई में, किसी भी मंथ में, जुलाई मान लीजिए, जुलाई को मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, जुलाई में ही मैंने उसको एडवांस पे करा लेकिन माल कब आया मेरे पास अगस्त में, तो उस केस में हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे टैली के अंदर। आज ये दो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और जब ये दो टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये बता दूंगा आपको टैक्स पे अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस। अगर ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो पाया तो कोशिश करता हूँ मैं 15 से 20 मिनट के अंदर ही बता दूँ, 1 घंटा बनाने का मतलब है आप लोग बोर होने लगोगे और आप लोग देखोगे भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ये मैं अपनी तरफ से भी टाइम बर्बाद करके 1 घंटे का वीडियो बनाऊं और आप लोगों के लिए कोई फ़ायदा ना हो, तो मैं 15 से 20 मिनट, हार्डली 30 मिनट हो सकता है, कि आधे घंटे से पहले पहले मैं आप लोगों के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिवर्स चार्ज एडवांस। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर में मैंने पहले ही बना दिया है अनरजिस्टर्ड डीलर, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, रिवर्स चार्ज उस टाइम क्रिएट होता है जब हमारा सामने वाला सेलर यानी जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ वो अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में मेरी ड्यूटी बनेगी, मैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करूँगा और उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करूँगा, पे करने के बाद मैं उसका इनपुट ले सकता हूँ। ठीक
ठीक है दोस्तों। तो ये अनरजिस्टर्ड डीलर मैंने बनाया सन्नी क्रेडिट के अंदर, दिखाया मैंने इसको, और जीएसटी एप्लीकेबल करके मैंने इसे अनरजिस्टर कर दिया। अनरजिस्टर करने पे ये हमसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता। तो चलिए उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। पेमेंट में जाने के बाद या तो F5 प्रेस कर दीजिएगा, पेमेंट में आ जाएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे या तो ऑल्ट वी प्रेस करिए या फिर रिवर्स चार्ज एडवांस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कैश दे रहे हैं कैश ले लीजिए, बैंक चेक दे रहे हैं तो चेक ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी को आपने एडवांस पे करा। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ये मैंने एडवांस ये ले लिया अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर लेने के बाद मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे शो रहा होगा एडवांस पेमेंट डिटेल, यानी जो आपने एडवांस दिया है या किसके बिहाफ पर दिया है, आइटम के बिहाफ पर दिया है या सर्विस के बिहाफ पर दिया है। अगर आपने कोई आइटम के बिहाफ पर दिया है तो आप यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने किसी सर्विस के बिहाफ पर अमाउंट दिया है तो आप आइटम पे नोट अप्लीकेबल करके यहाँ पे आप सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सर्विस आप लेने वाले हैं उससे। तो चलिए मैं इसे कंप्यूटर ले लेता हूँ। कंप्यूटर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर में मैंने क्या क्या दिखाया है। ऐसा आइटम बनाना मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। जब आइटम बनाएंगे तो इस सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दीजिएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड उसका और ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू और उसका रेट डिफाइन कर दीजिएगा। एचएसएन कोड से ध्यान आया दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ। एचएसएन कोड 8 डिजिट के हैं और एसएसी कोड 6 डिजिट के हैं। एचएसएन कोड 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। वो चाहे तो अपना एचएसएन कोड मैंसन कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर 1.5 से 5 के बीच में आया तो उनको 2 डिजिट मेंशन करना होगा। 1.5 करोड़ से नीचे वालों के लिए कोई डिजिट नहीं है, लेकिन 1.5 से 5 वालों के लिए 2 डिजिट है, और 5 से ऊपर वालों के लिए 4 डिजिट मेंशन है। लेकिन जब हम माल एक्सपोर्ट करेंगे तो उस केस में हमें 8 डिजिट मेंशन करने होंगे। एसएसी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो आपको वहाँ पर अपने 6 के 6 डिजिट मेंशन करने होंगे। तो चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। गुड्स ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको मेंशन करना होगा कि मैंने उसे 1 लाख रुपये एडवांस पे कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट मेंशन करने होंगे, और मैंने यहाँ पे ये वैसे ही ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता, लेकिन मैंने इस ऑप्शन को यस किया हुआ है इसलिए ये नो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से स्कैन करके दोबारा कर देता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस अनरजिस्टर्ड डीलर को मैंने एडवांस पे करा। पहले यहाँ SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड डीलर कंप्यूटर 1 लाख। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको एक मिनट, इस ऑप्शन को मैं यस ही कर देता हूँ। अब देखिए इसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि इसके ऊपर मान लीजिए कंप्यूटर में मैंने 12% दिया था, तो सेंट्रल टैक्स के अंदर 6% चला जाएगा और स्टेट के अंदर 6% चला जाएगा। और अगर कोई सेस लगता है तो उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद नोट एप्लीकेबल। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना है एडवांस 001। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ ऑल्ट पी, क्योंकि मुझे पार्टी को देना होगा, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो जब मैं पार्टी को दूंगा तो जब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा अजीबो गरीब आ रहा है। यहाँ पे ना तो जीएसटी नंबर है उसका, ना ही एड्रेस मेंशन है, ना ही तो कोई आइटम मेंशन किया हुआ है। और मुझे पता है आप लोग जब ऑल्ट पी करोगे तो आपके सामने ये आएगा ही आएगा, और फिर आप लोग कमेंट करोगे कि सर यहाँ पे तो कुछ मेंशन ही नहीं हो रहा, आपने गलत वीडियो बनाया है। तो दोस्त, जब आप लोग ऑल्ट पी प्रेस करोगे तो बैक स्पेस दबा के इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बताना होगा कि इनवॉइस पे आप क्या क्या डिटेल चाहते हैं, जैसे पेमेंट एडवाइस डेट यस मैं चाहता हूँ, स्टार्ट फ्रेश पेज फॉर ईच बैंक एलोकेशन इसको रोन दीजिए, इंक्लूड बिल डिटेल अगर कोई बिल डिटेल इसके ऊपर डालना चाहते हो, डाला होगा आपने तो इस ऑप्शन को यस कर दीजिएगा। उसका कॉन्टैक्ट नंबर पार्टी का, जब पार्टी आपने बनाया होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करे होंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ कैच करेगा उसे। उसके बाद ट्रांसफ़र टू को यस कर दीजिए, यानी जो जो चीज़ आपको चाहिए उस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। अब देखिए इसका फॉर्मेट है ना दोस्तों, आ गया आपके सामने। ठीक है, उसके बाद आप इसे सेव कर देते हैं। आप सेव करने के बाद देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैचुरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे और जीएसटी R2 को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने एंट्री ये पास करी है 1 अप्रैल 2017,
ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी तरफ से तो ठीक ही होगा। देखिए यहाँ मैंने गलती क्या करी है, 1 अप्रैल 2017 डिफाइन किया हुआ है और GST कब एप्लीकेबल हुआ था, 1 जुलाई को, तो मुझे डेट यहाँ पे दोस्त मेंशन करना होगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप एंटर एंटर करके इसे सेव कर दीजिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेचुरी रिपोर्ट में जाएंगे, GST में, GSTR 2 के अंदर देखिए आ गया ना ये। यही अगर मैं आपको जानबूझकर करके नहीं दिखाता, अगर वहाँ डेट मेंशन नहीं करता और एंट्री पास करते जाता, तो आप लोग भी इस डेट पे गौर नहीं करते और आप लोग देखते कि यहाँ पे आया ही नहीं। और फिर वही मेरे कई ऐसे प्यारे दोस्त हैं जो मुझे कमेंट में लिख के भेज देते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार में वीडियो बनाते हैं। देखिए जिसका जैसा मन होता है वो वैसा ही कमेंट लिखता है दोस्तों, लेकिन अगर 100 में से 10 बंदों ने मुझे नेगेटिव कमेंट लिख दिया और 90 बंदों ने अगर पॉजिटिव कमेंट लिख दिया, तो मैं 90 की तरफ ही जाऊंगा, जाहिर सी बात है, और आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन हाँ, अगर 90 बंदे कमेंट नेगेटिव भेजते हैं और अगर 10 पॉजिटिव भेजते हैं, तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। चलिए मैं आगे चलता हूँ। पहले हाँ, हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया GSTR 2 में जाके। अब इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री मैं आपको बताता हूँ। दो केस मैंने आपको बताया था, पहला कि अगर मैंने जैसे 1 जुलाई को उसको एडवांस दिया और उसने जुलाई में ही मुझे माल वापस भेज दिया, तो मुझे कोई भी उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, परचेज में जाऊँगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन करूँगा और मान लीजिए डेट मैंने डाल दिया कि उसने 15 तारीख को मुझे माल डिलीवर कर दिया। और क्या मंगाया था मैंने उससे, कंप्यूटर के भी यहाँ पर पैसे दिए थे और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपये, सॉरी 10 पीस, 12,000 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ऑल सी प्रेस करके मैं एक परचेस लेजर बना लेता हूँ। ये मैं बिल्कुल ही फ्रेश बता रहा हूँ, हालांकि मैंने और कंपनी में बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, बना रखा है, लेकिन आप लोगों को समझ में आए। मैं हर वीडियो में चाहता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो, तो इसको हम परचेज के अंदर ले लेंगे बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको सेव कर देना, सिंपल। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद आप एंटर करके आगे आ जाइए। अब ऑल सी प्रेस करके CGST बनाइए, मैं देख लेता हूँ स्पेलिंग, नहीं तो इसके ऊपर भी कमेंट आएगा। ठीक है, CGST है। उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्स, GST है ये हमारे लिए और सेंट्रल टैक्स है। उसके बाद आप इसे, अब देखिए इसने इसके ऊपर CGST नहीं काटा। चलिए कोई बात नहीं, ऑल सी प्रेस करके मैं फिर से SGST लगा देता हूँ और ये हमारे ड्यूटी एंड टैक्स है, GST है और स्टेट टैक्स है। उसके बाद इसे भी आप सेव कर दिए। अरे इसने तो SGST भी नहीं काटा, क्यों नहीं काट रहा दोस्तों, आपको पता है क्यों नहीं काट रहा? देखिए मैंने आपको बताया ना, अनरजिस्टर्ड डीलर जब भी हम माल खरीदेंगे तो वो अपने इनवॉइस के ऊपर टैक्स मेंशन नहीं करेगा, तो फिर हम इस पर SGST CGST IGST लगाने का क्या मतलब है, नहीं लगाएंगे क्योंकि वो रिवर्स चार्ज तो मेरा बन गया, तो इसको हम कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट। लेकिन अगर मैं टैक्स एनालाइज में आपको दिखाऊँ और ऑल टैप 1 दबाएँ, अगर हम, मेरा लैपटॉप है इसलिए मैं ऑल टैप 1 दबा रहा हूँ, आप लोग ये इसकी शॉर्टकट की है, आप लोग चाहो तो ऑल टैब वन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डिटेल पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 6-6% इसके ऊपर डिडक्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो DD में जाते हैं, मेरे वो एंट्री सेव नहीं हुई दोस्तों। मेरी 1 जुलाई कि पेमेंट वाली थी, चलिए मैं वो सेव नहीं हुई, दोबारा कर देता हूँ। टाइम की टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, आप वीडियो देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर मैं भी होश पोस करके समझा रहे लोगों को खड़पड़ खड़पड़ करके, तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो देखिए। परचेस में गए हम, परचेस का देखिएगा, चलिए मैं वर्ल्ड निकाल देता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस किया या उसके बाद इनवॉइस नंबर मेंशन किया और उसके बाद पार्टी सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया, 10 पीस, 12,000
आपकी ये कंप्यूटर है, उसके बाद आप यहाँ पे परचेज ले लीजिए, उसके बाद आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर लीजिए, और अगेंस्ट ये रहा हमारा 1 लाख वाला, एंटर, ठीक है। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए, सिंपल। अब चलिए हम बैलेंस शीट में चलते हैं, अपने ऑल टैब पर प्रेस दबाते हैं। ड्यूटी एंड टैक्स में तो कुछ दिखाई नहीं रहा, जबकि मेरे ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए था। संडी क्रेडिटर में देखते हैं, अरे इसका 20,000 दिखा रहा है, क्यों? मैंने तो 1,20,000 का मान लिया था। तो दोस्तों 1 लाख तो मैं एडवांस दे चुका था ना, तो वो तो एडजस्ट कर दिया मैंने। तो परचेस कितने की करी मैंने इससे, 1,20,000 की, जिसके 20,000 क्या बच गया, उसका क्लोजिंग बैलेंस बच गया, ये देखिए। और ये हम उसको पे कर देंगे, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर CGST का एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। अब उसने इसी मंथ दे दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया। अब मेरा क्या होगा, मेरे ऊपर ड्यूटी लेबल हो जाएगी, यानी मुझे उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होगी। तो चलिए मैं एडजस्टमेंट की एंट्री भी करके दिखा देता हूँ आपको, और पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ GSTR2 पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ये देखिए, यहाँ से हटकर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी बन गई, 7,200 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं, इसे एंटर करते हैं, ओपन करके चेक कर लेते हैं। टैक्स एनालिसिस, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना बना, 7,200, 7,200, ठीक है। अब ये तो था पहला केस, उसने इसी मंथ में दे दिया, और उसने अगले महीने, मतलब उसी मंथ में मैंने उसको पे करा, और उसी मंथ में उसने मुझे माल दे दिया। इसकी एडजस्टमेंट करते हैं अब। तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे F7 प्रेस करना होगा, या फिर जनरल में जाना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, या तो आप Alt J दबाइए, या फिर स्टेट एडजस्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यह आ गया GST। अब मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। उसके बाद परचेस अंडर रिवर्स चार्ज, ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम Alt C प्रेस करके रिवर्स चार्ज, ये मेरे लिए करंट एसेट होगा। करंट एसेट क्यों होगा यार, ज़रा सोचो, मैं उसके बिहाफ पर टैक्स पे कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट से मैं उसका इनपुट मांगूंगा ना। इनपुट जब भी मांगूंगा, जब वो मेरा, यानी फ्यूचर में उसके ऊपर क्या होगा, मुझे वो पैसा लेना होगा वापस, तो वो मेरे लिए असेट हो जाएगा। यानी फ्यूचर में जब भी हमें कोई चीज़ लेना होता है, तो हमारे असेट का पार्ट बन जाता है। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए, सिंपल। वहाँ टोटल अमाउंट कितना बन रहा था, 7,200 उसका बन रहा था, और 7,200 उसका बन रहा था, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 14,400। तो 14,400 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे CGST ले लीजिए, और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए 7,200 रुपये, और इसके बाद SGST ले लीजिए, और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए 7,200 रुपये। उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट में, ऑल टैप बंद दबाते हैं, और ये देखिए ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आ गया, क्रेडिट हो गया, ये हमारा बढ़ गया। अब उसके बाद अब इस अमाउंट को मुझे पे भी करना होगा गवर्नमेंट को। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं, और पेमेंट में जाते हैं, और पेमेंट में जाने के बाद स्टेट पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ GST है, 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक, और ये रिसिपिएंट लाइबिलिटी लेंगे, क्योंकि मैं रिसिपिएंट हूँ, तो मैं रिसिपिएंट लाइबिलिटी के अंदर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे SBI बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, जो अमाउंट बन रहा था वो आप अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन था, एक तो CGST था 7,200 रुपये का, और एक SGST था 7,200 रुपये का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इसे यस करिए, प्रोवाइड GST डिटेल को, और यहाँ पे अपने बैंक के डिटेल डाल दीजिए कि चेक नंबर वगैरह क्या है, आपने ऑनलाइन पे करा है क्या नहीं करा। उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम बैलेंस शीट में, फिर से ऑल टैब वन प्राइस दबाते हैं। देखिए वो ड्यूटी एंड टैक्स पे हो चुका है, ठीक है। अब डिस्प्ले में जाते हैं, और अपने GSTR2 को चेक करते हैं। यहाँ पे ये रिकॉर्ड इसका दिखाई रहा है, और वो यहाँ से हटा हुआ है। अब उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे हम, क्योंकि मुझे अपना क्या करना है, पे तो कर दिया ना, तो मेरा तो इनपुट क्रिएट हो गया,
तो मैं उस इनपुट के लिए अब एडजस्टमेंट की एंट्री करूंगा, नहीं करूंगा तो मैं इनपुट नहीं मांग पाऊंगा, जाहिर सी बात है। जनरल पे जाएंगे, स्टेटमेंट एडजस्ट पे जाएंगे, जीएसटी पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे करेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे परचेस अंडर रिवर्स चार्ज लेंगे और अब डेबिट सीजीएसटी को करेंगे 7200 रुपये से, एसजीएसटी को करेंगे 7200 रुपये से और ये क्रेडिट कर देंगे अपना जो कि जो हमने बनाया था रिवर्स चार्ज और उसको हम सेव कर देंगे। अब चलते हैं अपने बैलेंस शीट पे, ऑल्ट F1 प्रेस दबाते हैं तो रिवर्स चार्ज ये देखिए यहाँ से हट गया, ये रिवर्स चार्ज जो हमारा पहला एसेट में आया था हमने उसका इनपुट क्रेडिट ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर डेबिट आ गया 7200 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी ये हमारा इनपुट तैयार हो गया। अब चलते हैं अपने जीएसटी आर वन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस क्या है, ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। लेकिन ये था पहला केस हमारा, ठीक है दोस्तों। टाइम देख लेता हूँ, 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है ये हमारी, पर कोई बात नहीं, अगर हमें समझ में आया तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये पहला केस था कि जुलाई में ही मैंने उसे एडवांस दिया और जुलाई में ही मैंने उससे माल मंगा लिया। अब मैं उन एंट्रियों को डिलीट कर देता हूं ताकि आपको केस दूसरा समझा सकूं। पेमेंट की एंट्री डिलीट कर देते हैं हम, अकाउंटिंग वाउचर में जाए। केस नंबर दूसरा, केस नंबर दूसरा में मैंने उससे जुलाई में एडवांस दिया लेकिन स्टॉक कब आया मेरे पास, अगस्त में। तो चलिए उसकी एंट्री भी हम कर लेते हैं। पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे डेट में पहले चेंज कर देता हूँ, 1 जुलाई, एसबीआई बैंक, अनरजिस्टर्ड डीलर। अब थोड़ी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ लोगों को, आपको समझ में आ गया है, बस दूसरा केस है ये। एडवांस 001, उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे, कुछ नहीं करना, आप इसे सेव करते चले जाइए। एक मिनट रुकिए, क्या हो गया इसको, अकाउंटिंग वाउचर पेमेंट रिवर्स चार्ज पे मैंने क्लिक नहीं करा था, एसबीआई अनरजिस्टर्ड डीलर कंप्यूटर 1 लाख, उसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई को मैंने उसे एडवांस दिया, अब जुलाई में ही मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी हो जाएगी, मुझे वो अमाउंट क्या करना होगा, गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो चलिए डिस्प्ले जीएसटी आर वन के अंदर, जीएसटी आर टू के अंदर, ये देखिए यहाँ पे 2 आइटम आ चुके हैं, ठीक है। एक एंट्री में डिलीट कर देता हूँ नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलते हैं अपने, यहाँ पे देखिए ये 1 लाख आ गया। तो केस नंबर दूसरा चल रहा है और केस नंबर दूसरे में मैंने बताया जुलाई में मैंने उसे क्या करा, पे करा, तो जुलाई में मेरी लायबिलिटी बनी। अब जब मेरी जुलाई में लायबिलिटी बनी है तो मुझे वो उसकी एडजस्टमेंट भी करनी होगी। तो जनरल पे जाते हैं, स्टेटमेंट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, जीएसटी पे जाते हैं, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी परचेज के मैंने अंडर अनरजिस्टर्ड डीलर से
उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने बनाया था कहाँ है, रिवर्स चार्ज कितना है, कितना था वो दोस्तों, मेरे को चेक करना होगा फिर से। भूलने की आदत क्यों नहीं, बहुत गंदी आदत है। 12,000 टैक्स का अमाउंट बन रहा है, यानी 6,000। अकाउंटिंग वाउचर, स्टेटमेंट एडजस्टमेंट, GST, इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी, परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। और यहाँ पे जाने के बाद हम पहले तो रिवर्स चार्ज ले लेते हैं अपना 12,000 से, क्रेडिट कर देंगे SGST 6,000, क्रेडिट कर देंगे CGST 6,000। उसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने एडजस्टमेंट की एंट्री मार दी, जब एडजस्टमेंट की एंट्री मारी तो मेरे बैलेंस शीट में भी चला गया होगा। ये देखिए रिवर्स चार्ज, ठीक है, 6,000 रुपये आ गए मेरे क्रेडिट में। यानी ये मुझे क्या करना है, पे करना है। यहाँ देख रहे हैं ना रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना है मुझे। अब उसके बाद हम उसकी पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट करने से पहले मैं आपको GSTR2 भी चेक करा दूँ, ठीक है। ये यहीं पे ही है अभी तक। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, उसके बाद पेमेंट पे जाते हैं, और स्टेटमेंट पेमेंट पे जाते हैं। GST 1 जुलाई से लेके जुलाई 30, रेगुलर रिसिपियंट लाइबिलिटी, ठीक है, बता दिया मैंने ये आपको। उसके बाद SBI बैंक, यहाँ पे CGST ले लेते हैं 6,000, SGST 6,000, और इसको यस करके आप यहाँ पे अपने पूरे चेक के डिटेल वगैरह जो भी डालना डाल दीजिएगा, कि उसका CPI नंबर क्या है, CI नंबर क्या है, BRI नंबर क्या है, पेमेंट डेट कौन सी है वगैरह वगैरह, आप ये सेव कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने बैलेंस शीट में। ठीक है, मैंने वो पेमेंट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद हम अपना एक बार GSTR2 भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका इफेक्ट अभी तक ये B2B के अंदर नहीं गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं उसे, मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ, मेरी इनपुट क्रेडिट तैयार हो गई। तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमको एक फिर से एक बार, और एडजस्टमेंट जब करेंगे तो सेम वही आपको जनरल में ही है, स्टेटमेंट एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे, GST पे आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके भी हाँ पर परचेस अंडर रिवर्स चार्ज के भी हाँ पर टैक्स पे ऑन एडवांस अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा अपना CGST 7200, सॉरी 6,000 था, और डेबिट SGST 6,000, क्रेडिट रिवर्स चार्ज। अब हम अपने बैलेंस को चेक कर लेते हैं, ये देखिए रिवर्स चार्ज यहाँ से हट गया और ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर यहाँ पे आ गया, यानी मुझे इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा इसलिए ये यहाँ पे आ गया। डिस्प्ले स्टेच रिपोर्ट GSTR2, अब अगस्त में उसने मुझे माल दिया। अकाउंटिंग वाउचर, डेट चेंज कर देते हैं कि उसने 10 तारीख अगस्त में उसने मुझे माल दिया, तो मेरे लिए वो परचेस हो गया। तो परचेस पे चलते हैं, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, और यहाँ से ले लेते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर, कंप्यूटर 10 पीस 1,000 के हिसाब से, तो 1 लाख हो गया। उसके बाद आप इसे अगेंस्ट रेफरेंस करिए और सेव कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने डिस्प्ले स्टैच्यूटरी रिपोर्ट GST और GSTR2 के अंदर।
तो देखिए टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज से हटकर ये हमारे B2B के अंदर आ गया, और टैक्स पे अंडर रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस के अंदर भी ये हमारे 6000 मेंशन हो गया। इसका मतलब जब हमारे ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होता है रिवर्स चार्ज ऑन एडवांस के ऊपर, और जब जिस मंथ मैंने उसको एडवांस दिया उस मंथ ना होकर अगले महीने जब मेरे पास उसका माल आता है, तो उस टाइम पे हमें क्या एंट्री करना होता है, और अगर जिस मंथ मैंने एडवांस दिया और उसी मंथ अगर मेरे पास माल आ जाता है तो उस केस में हमें कौन सी एंट्री करनी होती है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। 30 मिनट की ये वीडियो बन गई है, मैं कह रहा था कि आधा घंटा लगेगा ही लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बहुत ही धीरे धीरे समझाया ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम दिखती है या आपको समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ जो मैंने नंबर आपको बताया था वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नंबर आपको फिर से बता देता हूँ, 8383084769 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको अपने मोबाइल में ऐड कर लीजिएगा और आप कमेंट देकर मुझे आप अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों।